यशी राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मेरे टॉप फेवरेट आर्बुटिन सीरम के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, स्किन व्हाइटनिंग एंड लाइटनिंग के लिए आर्बुटिन सीरम कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं एंड एट द सेम टाइम दिस इज़ अ वेरी वेरी सेफ इंग्रेडिएंट, तो काफ़ी लोगों को ये सूट कर जाता है एंड इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आर्बुटिन सीरम काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डर्मैट भी जो है स्किन लाइटनिंग पर्पज़ के लिए, बट एट द सेम टाइम ये जो है सीरम या फिर आर्बुटिन क्रीम भी अगर आपकी बात करो, बट मैं आज सीरम के बारे में बात करने वाली हूँ। इसको जो है आप अगर आपको दाग धब्बे हैं, आपको मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, या फिर आपके स्किन के ऊपर पैचेस हैं, दाग ज़्यादा है, मेलाज्मा है, या फिर आपको जो है यू नो ब्राउन वाले स्पॉट्स हो जाते हैं, या फिर आपको जो है मीलिया की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों के लिए आर्बुटिन काफ़ी अच्छा काम करता है। एंड आर्बुटिन सीरम को जो टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट पार्ट। एंड आर्बुटिन सीरम मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल हो जाता है। एट द सेम टाइम दे आर्बुटिन सीरम काफ़ी अफोर्डेबल रहते हैं और इसके लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आर्बुटिन सीरम हाइड्रोक्विनोन के जितना ज्यादा असर करता है, लेकिन आपको थोड़ा लंबे समय तक यूज करना पड़ेगा तब जाके इसका असर आपको देखने को मिलेगा। एंड जब आपको इसका असर देखना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप देखोगे कि आपकी स्किन हाइड्रोक्विनोन जो आपकी स्किन को लाइटन अप करती है, आपके दाग धब्बे मेलाज्मा को हटाती है, वहीं आर्बुटिन सीरम जो है वो सब करने में सक्षम होता है। हाइड्रोक्विनोन के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन आर्बुटिन सीरम के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मेरे टॉप 6 फेवरेट आर्बुटिन सीरम के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसको आप यूज कर सकते हो एंड इंडियन मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से अवेलेबल है, साथ ही साथ डिस्काउंटेड रेट पर अभी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज द वीडियो इज कोलैबोरेशन विद माय हॉल स्टोर एंड ये जो सारे प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से परचेज किए हैं, अमेज़न पर सेल चलती रहती है और अभी भी कोई ना कोई सेल चल रही होगी, बिग दिवाली फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें जो अभी चल रही है, तो आप यहां टाइम पे जो है इसको अवेल कर सकते हो। सारे जो प्रोडक्ट है वो अच्छे डिस्काउंटेड रेट पर आपको मिल जाएंगे एंड आप काफी सारी मनी जो सेव कर सकते हो, ना ही केवल स्किन केयर बट हेयर केयर, मेकअप, साथ ही साथ आपका जो है लाइफ स्टाइल, फैशन, हॉल, एक्सेसरीज, बहुत सारी चीजें जो है आपको जो है अमेजोन पर इस टाइम पर डिस्काउंटेड रेट पर मिलेंगी, तो डेफिनेटली चेकआउट करना मत भूलेगा। इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे फेवरेट ब्रांड की, एंड दैट इज अ मिनिमलिस्ट। सो यह है मिनिमलिस्ट का 2% अल्फा आर्बुटिन सीरम विद 1% हाइलुरोनिक एसिड एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्चुअली। और ये जो है वो काफी माइल्ड है आपकी स्किन के ऊपर, बट एट द सेम टाइम काम ही बहुत अच्छा करता है। आफ्टर 2 months आप देखोगे कि रिजल्ट आपको काफी बेहतरीन मिलेंगे एंड जो मिनिमलिस्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी अच्छे से फॉर्मुलेटेड हैं और ये डर्मैट टेस्टेड भी हैं, तो डेफिनेटली ये ज्यादा अच्छा आपके ऊपर काम कर सकता है एंड आप रिलाई कर सकते हो इस प्रोडक्ट के ऊपर, इसके कोई भी हार्मफुल साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट अप आई हैव सेट्रिन बाय जीएचसी अल्फा आर्बुटिन सीरम एंड यू गाइस नो दैट आई लव सेट्रिन बाय जीएचसी ब्रांड एज वेल। सो सेट्रिन बाय जीएचसी का अल्फा आर्बुटिन सीरम भी सेम है, 2% अल्फा आर्बुटिन प्लस इट हैज अ कोजिक एसिड एज वेल, तो आपको ये डबल बेनिफिट दे देता है। इसके अंदर कोजिक एसिड भी है, अल्फा आर्बुटिन भी, तो दो की शक्ति आपको मिलेगी। बिकॉज कोजिक एसिड को वैसे भी आप सिंगल इंग्रेडिएंट यूज नहीं कर सकते हो, उसको किसी चीज के साथ मिक्स ही करना पड़ता है, तब वो बेहतरीन रिजल्ट आपको देते हैं, तो दैट इज वाई। सो ये मेरा भी पर्सनल फेवरेट है एंड ये काफी बजट फ्रेंडली भी है एंड अभी तो मार्केट के अंदर इसने वैसे भी धूम मचा रखी है, तो आप इसको अमेजोन से डिस्काउंटेड रेट पर परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट आप काफी तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड दैट इज अ डर्माको एंड डर्माको का जो है अल्फा आर्बुटिन, दिस इज अ 2% अल्फा आर्बुटिन सीरम प्लस हाइलुरोनिक एसिड। ये वही अल्फा आर्बुटिन सीरम है जैसा मिनिमलिस्ट का है, बट इसका टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी एकदम डिफरेंट है। इट्स लाइक अ वाटर, मतलब ह्यूमेक्टेंट इसके अंदर होने के बावजूद भी एकदम पानी की जैसा है। सो दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और चिपचिप बहुत हो जाती है किसी भी सीरम को अप्लाई करते हो, खास करके सेट्रिन बाय जीएससी का जो सीरम है वो थोड़ा सा हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग है, तो आप जो है ये जो है डर्माको का अल्फा आर्बुटिन सीरम यूज कर सकते हो। ये काफी अच्छा काम करता है ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए। और नेक्स्ट अप वन ऑफ माय फेवरेट है दैट इज अ पिलग्रिम अल्फा आर्बुटिन सीरम प्लस विटामिन सी। सो अगर आप लोग विटामिन सी और अल्फा आर्बुटिन एक ही चीज में यूज करना चाहते हो, तो पिलग्रिम और विटामिन सी प्लस हाइलुरोनिक एसिड प्लस अल्फा आर्बुटिन सीरम आप लोगों के लिए होने वाला है। वेल, इसके अंदर 3 की शक्ति मिल रही है आप लोगों को, तो ये काफी अच्छा काम करता है। वेल, ये मेड इन कोरिया है एंड दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, तो ये जो है काफी अच्छा अल्फा आर्बुटिन सीरम है। इसके अंदर विटामिन सी भी आपको मिलता है, तो दोनों चीजें बेस्ट काम करती है आपकी स्किन के ऊपर। तो अगर आप विटामिन सी ढूंढ रहे हो लेकिन आपको अल्फा आर्बुटिन भी ढूंढना है, तो आप 2 अलग अलग सीरम ना लगा करके एक जो है पिलग्रिम का अल्फा आर्बुटिन सीरम यूज कर सकते हो। काफी ज्यादा ब्लॉगर इसके बारे में बात करते हैं, वेल, इनके सनस्क्रीन वगैरह के बारे में, बट आई रियली लव देयर अल्फा आर्बुटिन सीरम एंड दैट इज डॉक्टर शेड्स अल्फा आर्बुटिन सीरम। सो ये जो अल्फा आर्बुटिन सीरम है, ये है 2+5 अल्फा आर्बुटिन सीरम के साथ साथ इसके अंदर जो है आर्जिनाइन है, साथ ही साथ इसके अंदर कोजिक एसिड है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। ऑल्सो इट हैज अ लिकोरिश
एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, तो ये होलसम प्रोडक्ट है आपके लिए। तो डॉक्टर शेड का जो अल्फा आर्बिटिन सीरम है वो भी मेरे को काफी पसंद है एक्चुअली, एंड काफी पॉकेट फ्रेंडली भी है। बहुत ही हाई फाई प्रोडक्ट नहीं है कि आपके बजट से बाहर चला जाएगा, बट एट द सेम टाइम ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से लेकर के ये जो केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं सारी चीजें मिक्स करके इन्होंने बनाया है, एंड ये काफी अच्छा असर करता है। ऑनेस्टली डॉक्टर शेड्स के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, एंड आई होप दैट कि वो ऐसा ही जो रिदम बनाए रखेंगे एंड चीजें काम करती रहेंगी। सो जो लोग भी नेचुरल काइंड ऑफ अ थिंग के पीछे भागते हैं एंड दे वॉन्ट लिकोरिश एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा एंड ये सारी चीजें, तो उन लोगों के लिए डॉक्टर शेड का जो अल्फा आर्बिटिन सीरम है वो काफी अच्छा होने वाला है। एट द सेम टाइम आपको पता है लिकोरिश जो है स्किन लाइटनिंग एंड व्हाइटनिंग का काम करता है, प्लस इट हैज अ कोजिक एसिड, प्लस इट हैज अल्फा आर्बिटिन सीरम एंड ऑल्सो अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, तो दैट इज वाई आई रियली लव दिस। ये काफी अच्छा कंकॉक्शन है टू बिगिन विद, ताकि आपकी स्किन की जितनी प्रॉब्लम है वो काफी हद तक जो है ठीक हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वन ऑफ माय रीसेंट फेवरेट ब्रांड एंड दैट इज अ डीकंस्ट्रक्ट, और इसका जो अल्फा आर्बिटिन सीरम है वो आप यूज कर सकते हो। बट इसके अंदर भी जो है, जैसे सारे आर्बिटिन सीरम, अल्फा आर्बिटिन सीरम जो मैं आपके साथ शेयर किए हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ इधर उधर ट्विस्ट है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इतने सारे अल्फा आर्बिटिन सीरम। तो इसका जो ट्विस्ट है वो ये है कि इट हैज अ 5% नाइसिनामाइड, सो जिनके भी ओपन पोर्स हैं, जिनको भी पिंपल्स की शिकायत रहती है या फिर डिस्कलरेशन है या फिर ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है, सो दे कैन यूज डीकंस्ट्रक्ट अल्फा आर्बिटिन सीरम। तो 2% अल्फा आर्बिटिन सीरम के साथ 5% जो है नाइसिनामाइड भी इसके अंदर ऐड किया गया है। तो अगर आप नाइसिनामाइड सीरम लगाते हो एंड यू वांट टू बी लाइक स्किन लाइक यूथफुल, रेडिएंट, ग्लोइंग, बट आप जो है दूसरा स्किन इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहते हो, तो ये जो सीरम है ये आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। सो दीज आर माई टॉप 6 अल्फा आर्बिटिन सीरम जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, जो कि मैंने शेयर किया। इन सभी को आप जो है Amazon से परचेज कर सकते हो, सारे डिस्काउंटेड रेट पर Amazon के ऊपर अवेलेबल हैं, एंड इस डील के अंदर पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि डील के अंदर अगर आप चीज़ें खरीदते हो तो आपको काफ़ी हद तक डिस्काउंट जो है इवन जो है नाना करते करते 70% अप टू 70% तक भी ऑफ इन प्रोडक्ट्स पर मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेक श्योर टू चेक देम आउट। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, बाय बाय।